नीलम ने पंडित जी से कहा, आप जो कुछ भी हमें बता रहे, हमें लक्ष्मी के बारे में सब कुछ पहले से पता, आप क्यों ये सब बात दोबारा से कर रहे? ऋषि ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाने वाला है कि नीलम को सारी बातें पहले से ही पता थी। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा नीलम और करिश्मा दोनों यहाँ पंडित जी से बात कर रहे थे, तभी ऋषि वहाँ से निकल कर कहीं जा रहा होता है, तभी पंडित जी को देख लेता है कि वो उसकी मॉम और बुआ के साथ है, तो ऋषि भी जाकर खड़े होकर सोने लगता है। जहाँ पंडित जी सारी बातें बताते हैं लक्ष्मी के लिए, तो वहाँ पर नीलम यही जवाब देती कि पंडित जी ये सारी बातें तो हमें पहले से पता है, आप क्यों हमें ये बात बता रहे, आप बस जल्दी से पूजा कीजिए। और पूजा आपको दोनों के लिए करनी है, ऋषि के लिए भी करनी है और लक्ष्मी के लिए करनी है। लक्ष्मी के लिए आपको पूजा इसलिए करनी है क्योंकि जब भी लक्ष्मी को कुछ होता है, जब भी उसकी जान को खतरा होता है, तो मेरा बेटा उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जाता है। इसलिए लक्ष्मी के लिए भी पूजा कीजिए ताकि मेरे बेटे की जान हर तरफ से बची रहे, हमें बस इसीलिए चाहिए कि आप दोनों के लिए पूजा करें। ऋषि सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है जिस तरह से नीलम बात करती है। फिर नीलम कहती है, अब मेरे बेटे की जान बच जाती है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो जाता है ना, तो आप जितना दक्षिणा मांगेंगे ना, मैं आपको उतना दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। इधर लक्ष्मी मंगलसूत्र उतारने के बाद बहुत फूट फूट कर रोती है और अपने माँ बाबू जी को याद करती हुई नजर आती है। लक्ष्मी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है, वहीं आयुष आता है और लक्ष्मी को समझाता है और लक्ष्मी का साथ देता हुआ नजर आने वाला है।